तो हम एक सरना धर्म गुरु होने के बावजूद भी हमको ये चिंता हो रही है कि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा आदिवासी कैसे बचेगा। कि कौन कौन जमीन दलाल हैं उस पर शीशे लगाइया, जिला बदर कर दीजिए उसको, यहाँ से हटाइए उसको, चाहे आदिवासी हो कोई भी हो। मतलब थोड़ा जाग गया है लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। जब आगे प्रोसेस चलने लगेगा, कदम अगला कदम उठेगा तो फिर लगेगा कि हाँ पूरा आप जीत जाएंगे। अब रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मौजा के एक आदिवासी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा दबंगई के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। यहां करीब 2 एकड़ 35 डिसमिल भूमि है जिस पर भूमाफियाओं की काली नजर है। पिछले दिनों इस जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करने की कोशिश की गई थी जिसे रोकने के लिए आदिवासी नेताओं और संगठनों ने एकजुट होकर भूमाफियाओं का सामना किया। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा समेत कई आदिवासी संगठनों ने इस विवादित जमीन के रैयत परिवार के साथ बैठक की और उनकी पुश्तैनी जमीन को बचाने का संकल्प लिया। लोग सामाजिक संगठन की यहाँ बैठक बुलाए हैं कि झारखंड अलग हो गया और अपनी सरकार भी है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद भी यहाँ के अफसर, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, आवेदन देने पर, उनको खबर करने पर भी संज्ञान नहीं लेते हैं और जो यहाँ जमीन ब्रोकर हैं हावी हो रहे हैं। और इसलिए आज सभी संगठनों को यहाँ बुलाया गया है और 30 तारीख को हुल दिवस के दिन हम लोग एक बड़ी बैठक कर रहे हैं देशाबली में और वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से जो बाहरी लोग जमीन को लूटना चाह रहे हैं आदिवासी जमीन को, जबकि यहाँ सेंटेसपिटी है, यहाँ कानून सब कुछ है आदिवासी के फेवर में, इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो हम एक सरना धर्म गुरु होने के बावजूद भी हमको ये चिंता हो रही है कि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा आदिवासी कैसे बचेंगे। सरकार को ऐसी चीज़ों को बिल्कुल उनको नकेल कसना चाहिए और चूंकि हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो सरकार को भी इस पर थोड़ा कड़ा लाइन, यहाँ आपके पदाधिकारी पुलिस सीओ लोग जिस तरह से जमीन के कारोबार में लगे रहते हैं तो आप साफ साफ सरकार को भी इस पर थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। आने वाले दिन में अगर एक्शन में अगर नहीं लेती है सरकार तो हमको लगता है कि सीधा सीधा हम मैंने कि एक तरफ से हम चाहेंगे कि आर पार की लड़ाई होगी। संघर्ष आदिवासी किया है पूरा, लेकिन हमको लगता है इस सरकार से इसको लगता क्या है, मैंने कि बहुत सारे चीज़ें चिंता का विषय है। सर आज यहाँ बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकाला गया है कि हम इसके लिए एक कमेटी मुख्यमंत्री से मिलेगी, एक कानूनी तरीके से कोर्ट में भी जा करके इसको हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अब हम एकजुट होकर के हम इसके लिए वैसे दलाल वैसे लूटेरों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। बैठक के दौरान आदिवासी नेताओं और संगठनों ने भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि अगर वे इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। हम लोग हवाई नगर में जो हम लोग हैं यहाँ पर, जो इस तरह से हम लोग पूरे लोग जुटे हुए हैं, ग्राम के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सब लोग एक साथ मीटिंग करके ये कमेटी बनाने का बात हो रहा है, विमर्श हो रहा है कि हम लोग इसको बनाएंगे और जहाँ भी गलत ढंग से कोई अगर जमीन अगर लूटता हो तो उस पर हम लोग हावी हो जाएंगे, उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ा तो उसे लाठी से पीटा जाएगा अगर जो गलत करते हैं। सत्यारी का जो जमीन हम लोग में आया, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रामीण लोग बहुत आक्रोशित हैं और इसको बचाने के लिए माननीय बंधु तिर्की जी आए और बंधन तिग्गा हमारे धर्मगुरु जी आए और बहुत बैठक करके एक यहाँ हम लोग सभा करेंगे। इसकी बैठक हम लोग का हुल दिवस के अवसर पर 30 जून को होगा। तो सरकार जहाँ तक बातें हैं, सरकार अपना रहने के बावजूद भी उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इधर आदिवासी रैयत परिवारों को भी अब विश्वास हो गया है कि उनके साथ आदिवासी नेता और संगठन खड़े हैं और उनकी पुश्तैनी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। आज जब मीटिंग यहाँ आए सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए, क्योंकि एक पल के लिए लग रहा था ना कि सारे अफवाह फैला हुआ था कि जमीन का पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो बात को एकदम से लगा कि शायद अब ये लोग नहीं मानेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं होगा तो गुंडागर्दी हावी हो जाएगा और जो शासन है वो शासन तो ऐसे ही बिका हुआ है, तो शासन के ऊपर से भरोसा अभी भी उठा हुआ है और विश्वास तभी आएगा जब हम एक आवाज़, जब शासन को कहा जाता है, प्रशासन को, कि हमेशा पुलिस है कि
ये लोग मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है एक कॉल में, लेकिन ये सारा झूठ है। प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता है। एक तो बोलेगा सांत्वना देगा, आएंगे आएंगे, फिर आने रहे, जब आते हैं तो बोलते हैं झगड़ा मत करो, जबकि हम अपने घर आंगन में, तो हम झगड़ा क्यों करें? आते हैं बाहर से तो वो लोग ना झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आज दिखा देंगे कि आदिवासी का ताकत क्या होता है। अकेले दो चार लेडीज देख के वो लोग हथियार दिखा के जो हम लोग से डरा रहे थे, अपना खेत खलिहान को खुदाई कर रहे हैं, खुद का उपजाया हुआ धान तक नहीं काटने दे रहे, तो वो चीज़ उनको महत्व समझ में आएगा कि आन क्या होता है और हम लोग मेहनत करके क्या खाते हैं, किसी का ही नहीं करते। जमीन के मामले से इतने संगठन यहाँ पहुँच गए, पूर्व मंत्री भी बंधु तिर्की भी यहाँ पे पहुँच गए, अब हौसला कैसा लग रहा है और क्या कुछ उम्मीद लग रहा है कि हाँ जो मेरी जमीन है अब जो है वो गैर आदिवासियों से बची रहेगी? जब उम्मीद है, ये उम्मीद मतलब थोड़ा जाग गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। जब आगे प्रोसेस चलने लगेगा, कदम अगला कदम उठेगा, तो फिर लगा कि हाँ पूरा आप जीत जाएंगे। आप दिन पहले जो विगत यहाँ पर जो घटना घटी, जो मैंने जमीन में फैल जो घुस गए, तो लोगों को बड़ा ही सुखबुघाट पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं समाज का जमीन को लोग छीनने के लिए आ रहा है, तो पूरा समाज पूरा जग जा रहा है। और जमीन का जहाँ तक है वहाँ पर मतलब करना चाहिए एक नया मतलब कि आंदोलन एक शुरू करने का।